आपको बताया महंगाई की चक्की में फंसी आवाम पर महंगाई के वार जारी हैं। मुल्तान में एलपीजी की फी किलो कीमत में 6.99 रुपए का इजाफा। सरकारी नरखों में एलपीजी 249.99 रुपए फी किलो मुकर्रर। दुकानदारों ने एलपीजी 6 रुपए के बजाय 20 रुपए का इजाफा कर दिया है। एलपीजी 249 की बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त होने लगी है। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम पर एक बार फिर से जो है वो वफाकी हुकूमत की जानिब से एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी की कीमतों में जो है वो गुज़श्ता दो दिन पहले जो है वो तकरीबन 6.99 रुपए फी किलो के हिसाब से इजाफा किया गया। एक तो ये 6.99 रुपए फी किलो के हिसाब से एलपीजी की कीमत में इजाफा हुआ है, दूसरी तरफ जो है खुद साख्ता महंगाई की हुई है। दुकानदारों ने तकरीबन 243.99 रुपए फी किलो के हिसाब से रेट जो है वो ओगरा के मुताबिक मुकर्रर है, जबकि मार्केट में इस वक्त भी एलपीजी तकरीबन 270 रुपए से लेकर 300 रुपए फी किलो के हिसाब से मार्केट में फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से रिक्शा ड्राइवर्स जो एलपीजी इस्तेमाल करते हैं अपने रिक्शे पे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ जब दुकानदारों से बात होती है तो दुकानदार भी जो है वो पीछे से गैस महंगी मिलने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ इस वक्त रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। बहुत परेशान है इस महंगाई के चक्कर में, हम भी सुबह के आते हैं शाम तक 500-600 रुपये बचता है, इसमें कोई खाता नहीं चलता। महंगाई इतनी है, ये गैस वाले बेचारे ये परेशान है। गैस को सस्ता करना चाहिए, गरीब के साथ तावन करना चाहिए, मगर ये कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कोई टैक्स पे टैक्स लग रहा है, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गरीब आदमी जो किराए पे बैठे वो परेशान है। वो आए रोज इजाफा देखने में आता है और दूसरी तरफ दुकानदारों की तरफ से भी अपने रेट मुकर्रर किए गए होते हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद है। गैस में को कमा रहा है वो डीलर और जो है ना प्लांट वाले कमा रहे हैं। दुकानदार पे सिलेंडर को ऐसे निचोड़ के बेचते ना टैक्सों की मार भर के जो है ना, वो कहते हैं हमें टैक्स लग रहे हैं, वो कोई बहाना उन्हें कोई है ही नहीं। फिर पीछे रेट चढ़ गया। गवर्नमेंट की अपनी गैस 2700 रुपये खड़ी है, उसका टोटल बना ले आप सिलेंडर कितने का बनता है। 257 रुपये तो घर भी नहीं पड़ती, अगर गवर्नमेंट का रेट भी देखे ना 250 रुपये तो घर भी नहीं पड़ती। गवर्नमेंट का अपना रेट 2700-2750 रुपये खड़ा सुपर का फान का। आप इसको टोटल कर लें, कहना कीजिए कि आप पैसे बना लें, देख लें क्या बच रहा है हमें। दुकानदारों ने और रिक्शा ड्राइवर्स के साथ घरेलू सार्फ जो एलपीजी इस्तेमाल करता है मिलकर मुतालबा किया है आला हुकाम से और वज़ीर आला पंजाब से कि लिहाजा एक तो एलपीजी की कीमतों को जो बढ़ाया जा रहा है, एक तो इस कीमतों को कम किया जाए और दूसरा ये जो खुद साख्ता महंगाई प्लांट वालों ने की हुई है इसको कंट्रोल करके काबू पाया जाए, ताकि यहाँ पर जो ओगरा का रेट मुकर्रर किया गया उसी रेट पर आम सार्फ को रिक्शा ड्राइवर को मिल सके। जी राणा बिलाल, बहुत शुक्रिया।